एडी वार्ता। डिग्री की बात करें तो यह किसी भी व्यक्ति की काबिलियत को बढ़ाती है, सिर्फ काबिलियत नहीं अपितु समाज में एक उचित स्थान प्रदान करती है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम के मुताबिक एक छात्र एक वक्त पर केवल एक ही डिग्री कर सकता है, परंतु क्या हो अगर छात्र को एक साथ दो डिग्री करने की अनुमति मिल जाए, इसका उत्तर देंगे हम। लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। देश भर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए होने वाले सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। अब इच्छुक कैंडिडेट 6 जून तक इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। सीबीएसई ने 9वीं से 12वीं तक के लिए स्टूडेंट्स की ऑनलाइन सुरक्षा, उनके डिजिटल अधिकारों और स्वतंत्रता के हनन जैसी समस्या के मद्देनजर साइबर सेफ्टी मैनुअल जारी किया है। इसका मकसद बच्चों के अंदर सेफ और हेल्थी ऑनलाइन आदतों को विकसित करना है। कोरोना के बढ़ते प्रसार के बीच एनटीए ने एक बार फिर जेईई में 2020 के वर्ष के कैंडिडेट के लिए करेक्शन विंडो ओपन कर दी है। एनटीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसके बारे में नोटिफिकेशन जारी कर जानकारी दी है। वही केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने भी इस नोटिफिकेशन को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। 10वीं में 12वीं के बचे हुए पेपर्स की परीक्षा के लिए केंद्रों की संख्या बढ़ा दी गई है। जी हां, लॉकडाउन से पहले जहां देशभर में 30,000 केंद्र थे, अब उसको 15,000 केंद्रों में आयोजित कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने सोशल मीडिया के जरिए 10वीं के स्टूडेंट्स को पढ़ाने का फैसला किया है। जी हाँ, इसके लिए सरकार व्हाट्सएप के जरिए स्टूडेंट्स को एजुकेशनल कंटेंट देने की योजना बना रही है। चलिए बात करें एक बार साथ में दो डिग्री करने की, तो आपको जानकर खुशी होगी कि हाल ही में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अर्थात यूजीसी ने स्टूडेंट के एक साथ दो डिग्री कोर्स करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब यह दो डिग्री कोर्स क्या है? दो डिग्री कोर्स अर्थात अब से स्टूडेंट्स एक साथ एक समान या फिर अलग अलग स्ट्रीम में दो डिग्री कोर्स कर सकते हैं। छात्र यह कोर्स दो अलग अलग माध्यमों के जरिए कर सकते हैं, जिसमें पहला माध्यम रेगुलर माध्यम और दूसरा ODL ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग होगा। जैसे कि आप इकोनॉमिक्स के साथ साथ इंजीनियरिंग भी कर पाएंगे, ऐसे ही अलग अलग डिग्री कोर्स आप एक साथ कर पाएंगे। दो डिग्री कोर्स एक साथ अब कैसे कर सकते हैं? यूजीसी सेक्रेटरी रजनीश जैन के मुताबिक विद्यार्थी एक साथ दो डिग्री कोर्स तो कर पाएंगे, परंतु दोनों अलग अलग मोड से करना पड़ेगा। अलग अलग डिग्री कोर्स यानी कि एक डिग्री रेगुलर मोड के द्वारा और दूसरी ODL अर्थात ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग मोड के माध्यम से कर पाएंगे। यूजीसी के वाइस चेयरमैन भूषण पटवर्धन की अध्यक्षता में पिछले वर्ष जिसमें एक विश्वविद्यालय या अलग अलग विश्वविद्यालयों से स्टूडेंट्स का डिस्टेंस या ऑनलाइन माध्यम के द्वारा दो डिग्री एक साथ करने का प्रस्ताव पर विचार किया था। इससे पहले भी यूजीसी ने 2012 में समिति का गठन किया था, जिसका निर्देशन हैदराबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर फुरकान कमर ने किया था और छात्रों से रेगुलर मोड और डिस्टेंस मोड के अधीन दो डिग्री कोर्स करने का सुझाव रखा था। छात्र रेगुलर मोड या डिस्टेंस मोड एक मोड के अधीन दो डिग्री कोर्स का सुझाव रखा था, परंतु रेगुलर मोड में एक साथ दो डिग्री कोर्स करने के कारण एडमिनिस्ट्रेटिव और अकेडमिक मुश्किलों के होने की आशंका के कारण इस सुझाव को रद्द कर दिया गया था। दो डिग्री कोर्स करने के क्या फायदे हैं? कमेटी की माने तो अटेंडेंस क्राइटेरिया में छात्रों को रेगुलर डिग्री प्रोग्राम में मिनिमम अटेंडेंस होने का एडवांटेज मिलेगा, वही दूसरी डिग्री ऑनलाइन होगी। इस नए प्रोग्राम के मुताबिक छात्र एक वर्ष की बचत तो होगी, लेकिन उनके लिए एक अच्छा करियर अवसर भी साबित होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि एक डिग्री एक साथ दो डिग्री कोर्स आप केवल अलग अलग दो माध्यम के जरिए कर सकते हैं। अब दो माध्यम से डिग्री हासिल करना विद्यार्थियों के लिए जहां अवसरपूर्ण साबित होगा और वहीं थोड़ा चुनौतीपूर्ण भी रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। मेरा नाम राघव जैन, आप देख रहे हैं एडी वार्ता। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव और विचार हमें कमेंट कर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया जल्दी से लाल बटन दबा दें और बगल में दिखे टिप बजा दें। धन्यवाद।